नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे गांधी के दर्शन की। दर्शन एक शास्त्र है, दर्शन एक विधा है। इंडियन फिलॉसफी कहें, वेस्टर्न फिलॉसफी कहें, वर्ल्ड फिलॉसफी कहें, इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो उसके कई ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस की बात करें तो तमाम तरह के दर्शन पर बात की जा सकती है, लेकिन गांधी का दर्शन क्या था, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। क्या गांधी जी किसी दर्शन से बंधे हुए थे, या गांधी जी का जीवन, गांधी जी का एक एक शब्द अपने आप में एक दर्शन था, वो एक अलग से फिलॉसफी है। ये अपने आप में बड़ा सा सवाल है, क्योंकि 150 साल हो गए हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही है और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ें, ये कहा जा रहा है कि गांधी जी को ये पसंद था, गांधी जी को स्वच्छता पसंद थी, इसलिए देश में स्वच्छता का वातावरण बनाया जा रहा है, ODF गाँवों को ODF घोषित किया जा रहा है, गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं थी। तमाम चीज़ें जो गांधी जी की हैं उनको अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज ये समय आ गया है कि गांधी जी का दर्शन था क्या, क्या गांधी जी पूंजीवाद के खिलाफ थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि जब शक्तियां कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं तो दूसरे लोग शोषित हो जाते हैं, और शोषित समाज ठीक समाज नहीं है, मानव समाज का उत्थान होना चाहिए, नैतिकता यही है। वो जो असत्य है उसको अनैतिक मानते थे, जो सत्य है उसको नैतिक मानते थे। दूसरी बात, हिंसा की अगर हम बात करें, जिस तरह से आज हिंसा चल रही है, गांधी जी अहिंसक थे, वो बौद्ध के करीब थे, वो जैन के करीब नहीं थे, वो अति अहिंसावादी नहीं थे, हिंसा के खिलाफ बोलते थे, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं था कि वो जब अगर कोई मुसीबत आती तो वो हिंसा नहीं कर सकते थे। एक बार वाक्या हुआ कि जब एक बछड़ा बहुत ही दर्द से तड़प रहा था तो उन्होंने अपने हाथ से उसको पॉइजन दे दिया और उसको मृत्यु दे दी। तो ये, लेकिन आज जो लोग मानते हैं कि वो जीव हिंसा को हिंसा मानते थे, ऐसा नहीं है। वो हिंसा ये मानते हैं कि जो काम नैतिक नहीं हो रहा है वो हिंसा है, लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है वो हिंसा है। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बहुत खास मेहमान का पैनल एक जुड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज पूरा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाकर उन्हें हर कोई याद कर रहा है। महात्मा गांधी मात्र भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। भारत को आजादी मिलने के बाद जब सारा देश जश्न मना रहा था, तब गांधी जी सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। उन्हें आजादी मिलने की खुशी से कहीं अधिक बिखरते भारत की चिंता थी। वे चाहते थे कि देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप से आजादी और समृद्धि को प्राप्त करे। महान विचारक, दार्शनिक, कुशल राजनेता और मोहनदास करमचंद गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, आजादी के 70 वर्ष बाद भी क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए हैं, यह यक्ष प्रश्न हम सबके सामने है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति मेरे सपनों का भारत में लिखा है, मैं भारत को स्वतंत्र और बलवान बना हुआ देखना चाहता हूँ, जहाँ न कोई जात पात में भेदभाव हो और न ही कोई भीड़ किसी मासूम पर हावी हो। लेकिन लंबे समय तक सत्ता सुभोगने की चाहत में शुरू हुई वोट बैंक की राजनीति ने भारतीय संविधान में अब तक जितने परिवर्तन किए हैं उनसे संविधान संबंधी गांधी जी की मूल अवधारणा साकार नहीं हुई है। अब तक हम, हमारे देश और हमारी सरकारें गांधी जी के इन विचारों की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। दिन पर दिन बढ़ता भीड़ तंत्र का उधम और दलितों से भेदभाव आज भी बरकरार है। नेता और राजनेता दावे और वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि गांधी जी के सपनों का भारत अधूरा रह गया है तो ये कोई गलत नहीं होगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।
क्या है गांधी जी का दर्शन, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमान का एक पैनल जुड़ा हुआ है उससे हम आपका पहले तारुफ करा देते हैं। कालीचरण पांडे जी हमारे साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय के फिलोसफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, स्वागत है आपका पांडे जी। हरी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं और वो गांधी जी को भी उन्होंने करीब से पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ में कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, इमरान सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से और दूसरा पांडे राघवेंद्र पांडे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे कालीचरण पांडे जी का। कालीचरण जी, गांधी जी के दर्शन को क्या बांधना, इंडियन फिलोसफी में बांधना, वेस्टर्न फिलोसफी में बांटना, वर्ल्ड फिलोसफी में बांटना, क्या उचित होगा या गांधी जी इन सारे दर्शन से कहीं ऊपर थे? क्या है गांधी जी का दर्शन? गांधी जी खुद, उनका एक वक्तव्य है कि मैं अद्वैत वेदांती हूँ जी, और अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन का की एक शाखा है जिसका आधार वेद और उपनिषद है। तो वो उपनिषद और वेद इस तरह से है कि अद्वैत वेदांत मानता है कि एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही जो सत्ता है उसको भिन्न भिन्न प्रकार से विभिन्न धर्मों के लोग अनुयायी उसको अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। तो हालांकि गांधी जी कहते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि मैं अद्वैत वेदांती हूँ, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं किसी और धर्म को नहीं मानता हूँ। वे कहते हैं कि मैं जो ईसाई धर्म है उसका जो उसकी जो प्रेम की अवधारणा है उसको मैं मानता हूँ, और जो शांति की अवधारणा है इस्लाम में उसको मैं मानता हूँ। फिर वो कहते हैं कि जो जैन दर्शन है उसमें अहिंसा की अवधारणा और बौद्ध दर्शन में जो शांति की अवधारणा है उससे गांधी जी बहुत प्रेरित थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरा जो अद्वैत वेदांत का संप्रत्यय है वह एक ऐसी अवधारणा में आधारित है जिसमें कि विभिन्न धर्मों का निचोड़ शामिल है। सभी धर्मों को मानने वाले थे, नैतिकता उनका सर्वोपरि था। आपके हिसाब से क्या, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो एक अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुयायी थे, क्या उनको इंडियन फिलोसफी में कैद किया जा सकता है? क्योंकि उनके अनुयायी तो पूरे विश्व में मौजूद हैं, दक्षिण अफ्रीका के मंडेला हो या दूसरे बड़े नेता हो, सब उनके अनुयायी हैं। मुख्य रूप से माना जाए तो दर्शन है, उसे किसी भौगोलिक क्षेत्र में बांटना उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक जब हम पढ़ते पढ़ाते आए हैं तो ये जानते हैं कि भारतीय दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा जाता है दृश्यते अनेनित दर्शनम, जो दृष्टि प्रदान करे वो दर्शन है। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो फिलॉसफी के शब्द से अगर हम जाएं तो पाएंगे फिलो प्लस सोफिया शब्द से मिला है, जिसका अर्थ है लव ऑफ विजडम। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में मूलभूत अंतर यह है कि भारतीय दर्शन अध्यात्म में बेस्ड है, अध्यात्म में आधारित है, जबकि पाश्चात्य दर्शन का की नींव जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है। तो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन मतलब जो जो जहां तक मुझे समझ आया है, फिलॉसफी शब्द तीन शब्दों से मिलकर के बना है, फिल मींस लव, ओसो मतलब जानकारी रखने वाला, और फी मतलब ज्ञान, यानी कि जो जानकारी से प्रेम करता है उसको फिलोसोफर कहते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं फिलोसोफिया लव ऑफ विजडम, जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक प्रेम है उसे पाश्चात्य दर्शन में तरजीह दी गई है। लेकिन भारतीय दर्शन में जो अध्यात्म है और इसके इसकी इसकी साक्षात्कार की बात की गई है, जो प्रैक्टिकल है हमारी लाइफ में, वो सब जो है वो भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। गांधी जी इससे प्रेरित थे, किसी मानते थे कि एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से जान लेते हैं, जिस तरह से आज गांधी जी को उनकी 150वीं जयंती पर याद किया जा रहा है, उनके दर्शन पर चलने की कोशिश की जा रही है, क्या आज के जो नेता है वो ऐसा कर पाने में सक्षम हो दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आजकल के नेता गांधी जी के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास तो सब अपने तरह से करते हैं, कुछ लोग उसमें आगे निकल के करते हैं, कुछ लोग मंजिल एक है सबकी, लेकिन कुछ लोग जो है उसको कुछ नजदीक तक पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। ठीक ठीक है, हरीश जी के पास चलते। हरीश जी, 150वीं जयंती पर आज पूरा देश गांधी जी को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, दो दिन तक लगातार विधानसभा चल रही है, स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में गांधी जी के आदर्शों पर आप लोग चल रहे हैं? देखिए, गांधी जी मैं पहले तो इस बात की आपको बधाई देता हूं कि महात्मा गांधी जी की
की 150वीं जयंती है और उस पर आपने बहस आयोजित किया, और मैं सत सत नमन करता हूँ पूज्य महात्मा गांधी जी को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, दोनों ही महापुरुष भारतीय जो मनीषा है, भारतीय जो जनजीवन है, उनके हृदय में व्याप्त हैं, और दो ऐसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों को मैं देखता हूँ कि जिनकी चर्चा जब श्रीमद् भागवत के कथाकार अपनी कथाओं में करते हैं तो ऐसे महापुरुषों को कोट करते हैं, तो यह है उनका जो जो व्यक्तित्व है एक तरह से उसको देवकोट में लेते हैं जब इस तरह के जो कथाकार या उनके भाष्यकार उनकी चर्चा करते हैं। जो गांधी जी के जो देखिए गांधी जी का जो दर्शन या गांधी जी का जो जीवन है वो अपने आप में ही एक दर्शन है। बिल्कुल। और अगर आप कहें तो उन्होंने जिस चीज को जिया जी। हमारे यहाँ एक अवधी भाषा में एक कहावत कही जाती है कि जिसकी रहनी गहनी एक होती है जी। कि यानी जो जो वो कहता है जिस रूप में रहता है उसी को अंदर से जीता है जी। उसकी वाणी का प्रभाव, उसका आत्मबल बहुत व्यापक होता है जी। तो गांधी जी में भी ठीक वही बात थी कि उन्होंने सत्य को धारण किया, अहिंसा को अपनाया, और जो संयम उनके जीवन में संयम अनुशासन जो उन्होंने स्वयं अपने लिए बनाए उसको पूरी तरह से उन्होंने पालन किया, और जिस रूप में पालन किया आज आप देखिएगा, आप नेल्सन मंडेला के की चर्चा कर रहे थे, नेल्सन मंडेला और ने तो कभी कभी उनसे मिले नहीं थे, और मार्टिन लूथर किंग जी, ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं जो उनसे कभी मिले नहीं बिल्कुल, लेकिन जो उनका दर्शन था, उनका जो कृतित्व था, उससे वो इतने प्रभावित हुए कि उसको अपना करके नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका को हुकूमत से मुक्त कराया जी। और आज पूरी दुनिया में अगर गांधी जी पे चर्चा हो रही है, गांधी जी को किस रूप में कितना कौन अंगीकार कर पा रहा है, ये तो देखिए कि कोई भी आदर्श जो होता है जी। पूरी दुनिया में कोई भी आदर्श उसको इन टोटलिटी कोई अंगीकार नहीं कर पाता, टुकड़े टुकड़े में मैंने देखा कि जो अगर आप इसको गहराई से सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो लोग टुकड़े टुकड़े में उन आदर्शों को अंगीकार कर पाए, अगर हम थोड़ा भी अंगीकार कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत होगा, बहुत होगा जी। और जो आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जी, आप देखिए कि 1917 में वो किसानों के समस्याओं को लेकर के वो चंपारण गए थे, 1916 में वो लखनऊ आए थे जहाँ बिहार से आए किसान श्री शुक्ल, मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ, राम नरेश शुक्ल पांडे, पांडे, राम नरेश पांडे जी, चंपारण का जो हाँ उन्होंने निवेदन किया था और उनकी जो उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए चंपारण गए थे। तो जो वहाँ हालत देखी थी उसके पहले की भी एक कथा है कि जिस तरह से बधुआ मजदूरों को लोग उनके साथ व्यवहार करते थे उससे बहुत आहत पीड़ित हुए थे, वहां से उनकी शुरुआत हुई थी कि वो इस जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मन में उनके वो संकल्प जगा था, और जो अंदर की उनकी तैयारी थी कि अन्याय का प्रतिकार बिना हिंसा किए करना, पूरी तरह से अहिंसा को अपना करके धारण करके करना, सत्याग्रह के माध्यम से करना, सबने अवज्ञा के माध्यम से करना, ये जो बहुत सारी चीजें उन्होंने धारण की और जो प्रयोग उन्होंने किया कि आज आप देखिए कि भारत तो उस समय भारत का की आजादी की लड़ाई का तो नेतृत्व किया ही जी। जी हम आप दोबारा आपके पास में आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी का रुख करते हैं, वीरेंद्र जी आपने सुना हमारे साथ में पांडे जी कह रहे हैं कि इंडियन फिलॉसफी के काफी नजदीक थे, हरीश जी कह रहे वेस्टर्न फिलॉसफी के काफी वेस्टर्न के जो बाहर के विदेशी जो लोग थे उन्होंने बिना उनसे मिले, चाहे वो मार्टिन लूथर हो, नेल्सन मंडेला हो, उनकी शैली से प्रभावित होकर के, उनकी फिलॉसफी से प्रभावित होकर के विश्व के बड़े नेताओं में शुमार हो गए। आपको क्या लग रहा है कि गांधी जी को क्या एक किसी फिलॉसफी में कैद किया जा सकता है? देखिए प्रदीप जी, गांधी जी का अपना दर्शन था, वो स्वयं जो कुछ किया उन्होंने वो एक अलग दर्शन था, वो किसी दर्शन से बंधे हुए नहीं थे बिल्कुल। उन्होंने जो है सारे धर्मों को, सभी समाज की अच्छाइयों को जो है अपने साथ आत्मसात किया और उसी की उन्होंने जो है सबको प्रेरणा दी जी। वो हमेशा जो है सत्य और अहिंसा के साथ रहे
और हम वो हमेशा चाहे देश हो चाहे परिवार हो वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे और हमेशा जो है उन्होंने लाठी डंडे खाए लेकिन अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। और वो अहिंसा चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, जिस व्यक्ति ने आधी धोती पहन करके सारे विश्व का भ्रमण किया हो वो वास्तव में एक करिश्माई व्यक्तित्व था और सबके लिए प्रेरणा था। जिन दो महापुरुषों की बात आपने कही वास्तव में उन्होंने कभी उनको देखा नहीं, लेकिन ये कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व जो करिश्मा था उससे जो है वो इतने ज्यादा प्रेरित थे कि उन्होंने जो है उनका जो है फॉलो किया उनको और उसमें सफलता पाई। नेल्सन मंडेला ने जो है गोरों से जो है उनको अफ्रीका को जो है निजात दिलाई और मार्टिन लूथर को भी हमेशा जो है इसी तरह लड़ते रहे। तो गांधी जी का जो अपना दर्शन है उसकी कोई मिसाल नहीं है और वो एक अलग से अगर उसकी एक किताब लिखी जाए आप ऐसा बड़े योग्य हैं। मुझे लगता है कि एक किताब से भी काम नहीं चलेगा उन पर, अगर किताबों का अंबार लगा दिया जाए पूरी लाइब्रेरी बना दी जाए तो भी वो कम पड़ जाएगा। ठीक है हमारा जी उनका मतलब ये कि जो स्वतंत्रता के उसमें आजादी में भारत की जो आजादी में जो योगदान रहा उनके नेतृत्व में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया बिखरे समाज को एकजुट करके जो है आंदोलन सारे लोग उनके अनुयायी थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी वर्ग का हो कोई भी जाति का हो कोई उनसे छूता नहीं था सारे उनके अनुयायी थे। सिख ईसाई सारे उनके पीछे हो गए और ये कोई करिश्माई व्यक्तित्व ही कर सकता है। ठीक है तो मैं उनको आज उनकी जन्मतिथि 150वीं जन्मतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आज जो देश के बड़े बड़े नेता हैं उनसे प्रेरणा लेकर के भारत को उसी दिशा में चला के प्रगति के रास्ते पे ले जाए। ठीक है हम राघवेंद्र पांडे जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र पांडे जी जी चर्चा चल रही है कि क्या गांधी जी को किसी फिलॉसफी की ब्रांच से बांधा जा सकता है या गांधी जी का जीवन अपने आप में एक बड़ी फिलॉसफी है। प्रदीप जी सबसे बड़ी बात कि आपने इस चैनल के माध्यम से गांधी जी के ऊपर एक प्रोग्राम रखा उसके लिए धन्यवाद। रही बात गांधी को किसी फिलॉसफी में बांधना, हमें लगता है कि ये उचित नहीं होगा। गांधी अपने में एक महान व्यक्तित्व थे जो तीन बातों पर उनका मेन जो उनका फिलॉसफी मुझे लगता है जहाँ तक मैंने गांधी को पढ़ा है सत्य प्रेम और अहिंसा करुणा, इन्हीं के बेस पर महात्मा गांधी जी का जो भी था उनकी जो फिलॉसफी थी मुझे लगता है कि सत्य प्रेम करुणा के अनुसार ही गांधी जी ने चले। मुझे एक छोटी सी बात मैं यहाँ एक छोटी सी कहानी मुझे ध्यान आती है गांधी जी का फिलॉसफी में बांधने से पहले। एक बार गांधी जी एक कार्यक्रम कहीं कर रहे थे तो एक छोटी सी पेंसिल उनसे कहीं गिर जाती है तो वो उस कार्यक्रम के दौरान उस पेंसिल को खोजने लगते हैं। किसी ने पूछा कि बापू ये पेंसिल आप क्या खोज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक पेंसिल गिर गई है कहीं। तो लोगों ने कहा कि पेंसिल गिर गई आपको दूसरी मिल सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे दूसरी नहीं चाहिए, वो एक छोटी सी बच्ची ने मुझे दिया था। गांधी वो फिलॉसफी से ऊपर थे जो किसी किताबों या ग्रंथों या किसी फिलॉसफी हम इंडियन फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी में उन्हें नहीं बांध सकते। गांधी एक दर्शन है जिसको आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा निरंतर उनसे सीखने के लिए मिलती जाएगी और हम युवाओं के लिए या फिर हमारे राजनेताओं के लिए सबके लिए गांधी एक प्रेरणा है। गांधी का जो भी गांधी का था वो सत्य प्रेम करुणा और अहिंसा पर डिपेंड था। आज की परिदृश्य में हमें लगता है गांधी से सीखने के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है। गांधी एक महान दर्शन है। ठीक है मोहम्मद इमरान जी आपकी पहली प्रतिक्रिया। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुल्क की आवाम को हम गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो उनकी भी जयंती है उसकी भी हार्दिक बधाई देते हैं और उनको नहीं देखते जो दोगलेपन वाले काम करते हैं, हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं बधाई उनको दे रहे हैं जो गांधी जी को मानते हैं जो दोगली राजनीति नहीं करते हैं जिन जो आज की डेट में हमने सोशल मीडिया आज आज की बात ही आज ही हम देख रहे थे तमाम सोशल मीडिया पे भाजपा के कार्यकर्ता गोडसे जी अमर रहें लिख रहे थे। देखिए क्या मुल्क के हालात कर दिए, क्या क्या हो गया हमारे देश को। अब ये देखिए हम आपको बता दें अभी फेसबुक पे उसके जो आईटी सेल के भाजपा के वो हैं विक्की मित्तल साहब, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था कि गोडसे जी की पिस्तौल जिससे गांधी जी को मारा गया उसकी नीलामी करा दीजिए, पता चल जाएगा गोडसे जी आतंकवादी थे कि देशभक्त थे। हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस और जा रहा, गांधी जी की हत्यारे को गोडसे जी कहेंगे, हद ख़त्म है भाई। ऐसी राजनीति, गांधी जी ने क्या सपना देखा था हमारे देश के लिए, देश को बलवान बनाना चाहते थे, देश को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भीड़ मासूम को मारे, ठीक है इस टाइप का उन्होंने बहुत अच्छे सपने देखे थे। हमारा मुल्क उस रास्ते पर नहीं है,
बहुत बिल्कुल बिछड़ गया है, गांधी जी का सपना बिल्कुल टूट गया है। गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते पर चल रहा होता मुल्क तो बहुत आगे होता। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हमारा देश चले। वो एक महान शख्सियत थे, उनके बारे में हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, उनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। हम अपनी भाषा में तो कहेंगे वो एक फरिश्ता थे, फरिश्ते की तरह से आए थे, हमारे देश को आज़ादी दिला गए थे, हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। वो एक मेरी नज़र में एक फरिश्ता थे और महान शख्सियत थे, उनके बारे में हमारे पास तो कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है, इतने अच्छे इंसान थे वो। बिल्कुल ठीक बात, हम सब के बाद हम सब उनके आगे कहीं ना कहीं बौने हो जाते हैं, और कोई भी पुरस्कार उनके आगे बौना हो जाता है। और हम एक बार बात करें कि आखिर उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, तो अंत में उसका मामला यही निकला कि अगर उनको पुरस्कार मिल जाता तो वो पुरस्कार बड़ा हो जाता, गांधी जी छोटे हो जाते। गांधी जी उन सारे पुरस्कारों से कहीं ऊपर है। प्रोफेसर कालीचरण जी का रुख करेंगे। पांडे जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा कि गांधी जी की जो अहिंसा थी वो जैन धर्म के काफी करीब थी, जबकि जहां तक मैंने पढ़ा हो सकता आप मुझे अच्छा बताएंगे, मुझे लगता है कि उनकी अहिंसा बौद्ध धर्म के ज्यादा नजदीक थी, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को ज्यादा कड़े रूप में अपनाया गया है, जबकि वो इतने कड़े रूप में अहिंसा को नहीं अपनाते थे। यह बहुत तकनीकी प्रश्न है जी। कि गांधी जी अहिंसा में बौद्ध धर्म का पालन किए या फिर जैन धर्म का जी। लेकिन गांधी जी खुद अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि मैं अहिंसा जो शब्द है वह जैन धर्म के अहिंसा से प्रभावित हूँ। प्रभावित होने का लेकिन वो जीव हिंसा की बात कभी नहीं करते थे। जीव हिंसा पर को अहिंसा ने हिंसा नहीं मानते थे। तो जहां तक वो कहते थे कि जहां तक मैंने पढ़ा है कि नैतिक जो अनैतिक काम हो रहे हैं वो अहिंसा है। निश्चित रूप से ये बात है, लेकिन जब उन्होंने ये वक्तव्य खुद दे दिया है कि मैं जैन धर्म के अहिंसा को अपना आदर्श मानता हूँ, अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि किस ढंग से उनकी अहिंसा के आचरण को हम व्याख्यायित करेंगे। जब यह प्रश्न आपका होता है तब आप कह सकते हैं कि वो बौद्ध के नजदीक मान सकते हैं, लेकिन उनका वक्तव्य उनका आदर्श जो है वो जैन की अहिंसा है। तो उन्होंने उसको पॉइजन देकर के ये कहकर मर दिया कि इसके दर्द इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मुक्ति मिल जानी चाहिए। जबकि जैन की अगर हम बात करें तो जैन मुंह में कपड़ा इसलिए बांधते हैं जिससे कि चींटी भी ना उनको नुकसान हो पाए, वो स्लीपर भी चप्पल भी इसलिए नहीं पहनते कि उनके पैर के नीचे कोई दब जाए। मुझे अच्छा लगा कि आप जैन दर्शन के बारे में इतना जानकारी रखते हैं। और जैन दर्शन के दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर, और इन दो संप्रदायों में अहिंसा के आदर्श को लेकर मतभेद है कि किस आदर्श को हम स्वीकार करें। श्वेतांबर जो है वस्त्र अपना धारण करते हैं और नाक में कपड़ा बांधते हैं, जैसे कि वो कोई भी उनको जो है किसी छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनकी भी हत्या न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दिगंबर जैन जो है वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप उसको तकनीकी रूप से व्याख्या करेंगे तो पाएंगे कि जो गांधी का आदर्श है वह अपने आप में एक आदर्श है, क्योंकि हमें एक आदर्श चाहिए, बिना आदर्श के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस दृष्टिकोण से आप ये जो गांधी जी ने अपना खुद वक्तव्य दिया है कि हम जो है वो जैन के अहिंसा के विचारधारा को और बौद्ध के शांति के और दयालुता के विचारधारा को उन्होंने वो वक्तव्य दिया है कि हम उसको मानते हैं। देखिए दोनों का हम मान सकते हैं कि उनको किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता जी, जी, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनको हम उससे ऊपर पर ही मान लेते हैं कि वो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से सर्वोपर ही ऊपर है। लेकिन उनका मुख्य जो धर्म है वो खुद कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ और मैं अद्वैत वेदांती हूँ, अद्वैत वेदांत जिसका कि मूल उपनिषद है। बिल्कुल नहीं, आप ठीक करें उनको, लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि उनको अद्वैतवाद या उपनिषदवाद इन सबसे बांधा नहीं जा सकता, वो थोड़ा परे, उनका अपना जीवन ही अपने आप में दर्शन है। वो नहीं कहते हैं अपने पैर अपने ऊपर आएंगे जरा। हरीश जी का रुख करते हैं। हरीश जी, नैतिकता का जहां हनन होता है वो हिंसा है। वो गांधी जी जीव हिंसा को हिंसा नहीं करते, लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग के केसेस आजकल बढ़े हैं और गांधी जी की प्रेरणा लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कंट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं जी, हिंसा कहीं भी हो वो निंदनीय है। मॉब लिंचिंग मैंने जितना घृणित और जितना उसकी भर्त्सना की जाए वो कम है।
आप जो बात कह रहे हैं उसका तो कुछ तात्पर्य निकलता है कि जैसे भाजपा ने मॉब लिंचिंग को अपना रखा हो। नहीं नहीं, मॉब लिंचिंग किसी की भी समय नहीं हुई है। आप अगर मध्य प्रदेश में भी मॉब लिंचिंग होती है और जो मॉब लिंचिंग छोड़ दिया जाता है तो वो कांग्रेस की सरकार भी तो होती है। नहीं नहीं, हम उत्तर प्रदेश में हम सारे पूरे देश की बात कर रहे हैं। मैं प्रदीप जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि कहीं भी एक भी क्या कोई घटना है कि मॉब लिंचर के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की हो? एक भी सिंगल कोई, मैं तो चुनौती के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि एक भी कोई घटना पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई हुई हो मॉब लिंचिंग की जिसमें मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हो। लेकिन हाजी जी, आप इस बात से तो नाइतफाकी नहीं करेंगे कि पिछला महीना छोड़ दे, उसके पिछले दो महीने जो थे उसमें 60 दिन में 39 केसेस हुए थे। नहीं, 39 केसेस हुए, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जी, भीड़तंत्र। नहीं नहीं, भीड़तंत्र को बढ़ाया किसने? नहीं तो भीड़तंत्र को, भीड़तंत्र को किसने बढ़ाया बताइए मुझे? भीड़तंत्र को क्या सरकार ने बढ़ाया? आपके ना तो रोकने का जिम्मा आपका है। रोकने के जिम्मा सरकार का है तो सरकार जो मॉब लिंचर थे उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। आप कहीं गांव में रास्ते में चार लोग इकट्ठा हो जाए और किसी को पीटने लगे और इसके लिए आप सरकार को दोषी बताएं तो ये तो गलत बात हुई। नहीं, सरकार की रोकना ना, मॉब लिंचर की कहते हैं सरकार का सब। आपने देखा होगा कि योगी सरकार ने तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाए और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं आई, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, क्या करते हैं? पालन करवाने से काम चलेगा। आप मुझे आज जिस तरह से कवरेज को छोड़ दिया गया, जिस तरीके से तमाम लोगों को मुक्त कर दिया गया कि किसी भी कवरेज की हत्या नहीं थी। नहीं, आप देखिए, जुडिशरी को सरकार नहीं चलाती। नहीं, ठीक बात है। नहीं, आप मुझे कहिए, आप मुझे बताइए, एक तो तबरेज का मामला उत्तर प्रदेश का नहीं, दूसरा तमाम सारे क्रिमिनल्स। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं एक घटना का उदाहरण अभी हालिया देता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक का हत्या हुआ था जिसमें बहुचर्चित यहाँ के बाहुबली का के ऊपर मुकदमा चल रहा था। 150 गोलियां AK-47 से उनके ऊपर चली थी और उनको पूरी तरह बरी कर दिया, कहा साक्ष्य नहीं मिला। बिल्कुल, तो ये सरकार ने तो नहीं कराया जजमेंट। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक तरफ गांधी जी के आदर्शों का अनुपालन करना, उनकी उनसे प्रेरणा लेना, दूसरी तरफ ये हिंसा, आपको क्या कंट्राडिक्टरी नहीं दिखाई दे रहे? प्रदीप जी, अब इस पे बात जो है कुछ लंबी जाएगी। जी, मॉब लिंचिंग का जहाँ तक सवाल है, इससे पहले देश में गायों का कटना बहुत तेजी से जारी था और जब ये सरकार आई है और इस पे बैन लगाया गया है तो जो लोग पकड़े गए, जिन लोगों को ट्रक ट्रक ले जाते, गाय ले जाते रहे, उनको अगर पकड़ लिया गया और उसमें भीड़तंत्र लोग उत्तेजित हो गए और किसी ने जो है इतनी पिटाई कर दी कि वो मर गया, तो इसमें मॉब लिंचिंग के इतनी बड़ी जो है ये शोर शराबा जो आप लोग कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर में जो कश्मीरी निकाले जा रहे थे। देखिए, अब एक सवाल तो लीजिए मेरा, आप कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे बाद में। सवाल मेरा ये है आपसे, क्या आप इसको जायज ठहराते हैं कि कोई गाय लेकर के जा रहा हो और भीड़ उसको पीट करके मार दे तो वो जायज है? नहीं, भीड़ मारने के उद्देश्य से नहीं करती है। भीड़ तो उसको जो है पिटाई इसलिए कर रही है कि वो जो ऐसा ना कर सके, उसको लेसन देती है, लेकिन वो इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं आवेश में लोग कि इतनी ज्यादा मैं उसको जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जायज नहीं है। लेकिन उस समय तो आपके चैनल ने कभी कुछ नहीं कहा जब कश्मीर में जो है, सारे चैनलों ने कहा, जब कश्मीर, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस समय की जो स्थिति थी वो आपने खुद वर्णन की होगी। कश्मीर क्या आपने नहीं कहा था इस बात को लेकर के? आपने लिखा नहीं था? हमने तो बहुत लिखा है इसके ऊपर, कितने लिखे, आपने खुद लिखा। आप कैसे कह सकते हैं कि उस पर लिखा नहीं गया? नहीं, लिखा गया जी, लेकिन जिस तरह से चैनलों ने या सरकारों ने, पिछली सरकार ने क्या कश्मीरियों के लिए कर दिया है, तब उनको जो है मारा गया। टीकालाल टकरू वहां के एक प्रबुद्ध आदमी थे व्यक्ति, उनको जो है घसीट घसीट के मारा और मोटरसाइकिल घुमा घुमा कर। आप मॉब लिंचिंग को आप कश्मीर से जोड़ रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ
ये जब से मोदी जी की सरकार आई, कुछ एक नियोजित एक दुष्प्रचार अपप्रचार जो मोदी जी के खिलाफ भाजपा के खिलाफ चलाया गया, महावीर सिंह बोलेंगे शब्द महावीर सिंह दिया गया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सक्सेना साहब कह रहे थे, मैं कहीं इसको डिफेंड करने या कहीं उसकी बात नहीं, लेकिन ये वो लोग जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग कह करके अवार्ड वापसी और क्या क्या किया, वो कश्मीर में जब ये घटनाएं घट रही थी हजारों बंदूक काट डाले गए तब कहां थे? ठीक है, मेरा मैं किसी भी मैं सभी आपके अनुरोध कर लूं, सब इसी तरह की घटनाओं की मैं घोर निंदा करता हूं। अनुरोध जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और कह दी, एक मिनट का और बचाओ जी। देखिए गांधी जी को लेकर के जो सरकार काम कर रही है, स्वच्छता अभियान के लोग काम कर रहे हैं, आप यहाँ महावीर सिंह को लाएंगे तो जिन मुद्दों पे बात हो रही है, जो आज गांधी जी के संदेशों पे, गांधी जी के सपनों पे, जो उनके सारे आदर्शों पर बात करें, वो कहीं ना कहीं ये विषय लाने आप कहीं कहीं उसकी प्रोसेसिंग। अगर आप मुझे ज्यादा बीरेन जी से एक सवाल पूछू, बीरेन जी जिस तरह के गायों का कटना मना कर दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं कटना चाहिए, गाय हमारी माता है, हम उनको पूछते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो साइंस के जाता है, आपने साइंस भी पढ़ी है, अगर इसी तरीके से पशु ये बढ़ते गए तो क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? ये प्ली जो है प्रदीप जी, आप ना दें तो बेहतर है जी। है ये कोई प्ली नहीं है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा जी। ये तो मैंने खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं खाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ प्रदूषण अगर बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा तो उसका हम करेंगे क्या? और मनुष्यों की आबादी अगर बढ़ेगी तो क्या होगी? इतनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है मनुष्यों की जी? आदमियों की आबादी इतनी बढ़ रही है प्रदीप जी, ये कोई तर्क नहीं है, मैं इस तरह नहीं है, आपकी बात मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, 130 करोड़ हो गए, कल तो क्या है 230। अरे भाई देश विश्व की आबादी 7 अरब से ऊपर बढ़ गई, आप तो यहाँ 130 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो फिर चाइना ने लेकिन उस आबादी को संभाला ना, चाइना हमसे एक कदम आगे है, उसी तरह हम आबादी को रोक सकते हैं ना। उसी तरह पशुओं की नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं कि उनकी नसबंदी कराई जाए और उनकी आबादी डिबेट में है, ठीक है, लेकिन इसको काटने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ठीक है राघवेंद्र पांडे जी, ठीक है राघवेंद्र पांडे जी, जो ये मॉब लिंचिंग, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, मॉब लिंचिंग किसी एक सरकार की बात नहीं करो, देश में जो चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी जो कांग्रेसियों की सरकार है वहां भी मॉब लिंचिंग हो रही है। किसको इसको कितना उचित मानते हैं आप? गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती है? प्रदीप जी एक बात का मैं जिक्र करना, सबसे पहले गांधी जी को जोड़ते ही मैं ले चलूंगा, गांधी जी जब अनशन पर थे, चौरी चौरा कांड होता है और कुछ जवान अंग्रेज के जवान वहां मार दिए जाते, गांधी जी वहां से अपना अनशन हटा लेते हैं। सबसे हाँ, पहले 24 अंग्रेज के जवान नहीं मारे जाते, सुन लीजिए जी, उसमें अंग्रेज मारे जाते हैं, वो भी हिंदुस्तानी थे जी, अंग्रेज के जवान नहीं थे, नहीं उस समय वो सेना अंग्रेज की सेना में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें कहा जा सकता है कि वो अंग्रेजों के जवान है, ब्रिटिश फौज के सैनिक थे, चलिए मैं ये कहता हूँ ब्रिटिश, हाँ ठीक है, हिंदुस्तानी थे ब्रिटिश फौज के सैनिक थे, अब ठीक ब्रिटिश फौज के सैनिक थे, जब उनको मारा जाता है तो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया, वो भी पहली मॉब लिंचिंग थी माना जाए तो, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जब भारत में आते हैं और जब वो पहला सत्याग्रह करते हैं उस कार्यक्रम को लेकर, जब वहां पर मॉब लिंचिंग होती है, गांधी जी कभी मॉब लिंचिंग के समर्थक नहीं थे, लेकिन आज देश में जिस तरह से मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, चाहे जो पार्टी हो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी होती, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, मरता कोई गरीब आदमी है मॉब लिंचिंग में, मॉब लिंचिंग में मरता कोई प्रदीप भैया कोई गरीब आदमी होता है, उस घर के दिए बुझ जाते हैं जिस घर से एक, चाहे वो 1 लाख मरा हो या फिर चंदन मरा हो,
मरता कोई गरीब घर का एक चिराग बुझ जाता है। गांधी जी कभी इस मॉब लिंचिंग के समर्थक नहीं थे। रही बात सत्ता पक्ष, अगर ये कहे कि ये मॉब लिंचिंग विपक्ष करता है तो हम इस बात का जरा सा भी वो नहीं करते। हम ना बीजेपी इस समय अगर गवर्नमेंट में है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके गवर्नमेंट में या तो आपकी कानून व्यवस्था फेल है या तो आपका शासन फेल है, ये मॉब लिंचिंग हो क्यों रही है, इस पर विचार होना चाहिए। गांधी के इस देश में अगर मॉब लिंचिंग हो रही है, गांधी के ऊपर कार्यक्रम करना हमें सिर्फ अलावा है। आगे और बहुत सारे मुद्दे हमारे पास में है। जी जी ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। इमरान जी, प्रदीप जी, हमने अभी मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रदीप जी हमने अभी सबकी बात सुनी। ये जो एक बात हम आपको बताएं, देखिए इन सरकार में मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ी है, पहले के आंकड़े में इस सरकार में बढ़ी है। और दूसरी बात ये बताइए, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात कही थी और बीजेपी के नेता, आपकी सरकार में भी कम नहीं हुआ? नहीं, हम बता रहे हैं, देखिए बढ़ी है, लेकिन इस बात इस सरकार में हम प्रदीप जी बता रहे हैं, इस सरकार में उस सरकार से ज्यादा बढ़ी है, सच्चाई ये भी है। और ये बताइए, अगर कोई गाय लेके जा रहा है तो ये किसको अधिकार दिया है कि भीड़ उसको मिलके मार डालेगी? और इसके बाद जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं होती, इसमें सरकार पूरी जिम्मेदार होती है। 200 नाम एफआईआर में नेम्ड होते हैं, धीरे धीरे करके सारे नाम एफआईआर से निकल जाते हैं और सब में एफआईआर लग जाती है। ये बताइए कहां का तरीका है? सरकार ने जिम्मेदार होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? धीरे साहब सुन लीजिए, 200 नेम्ड होते हैं मॉब लिंचिंग मामले में, भीड़ ज्यादा है तो 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। तब तमाम दंगे हुए थे, कई लोग मरे थे। हम देखिए दंगों की बात नहीं हो रही यहाँ, प्रदीप जी मॉब लिंचिंग की बात हो रही तो गांधी जी का मुद्दे बात हो रही थी, हम उसी करें। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ये बताइए, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात और कही, जब आपने गाय वाली बात कही तो गाय माता है, हम भी मान रहे माता है भाई, लेकिन ये रोड पे काहे छोड़ रहे हैं आप? आपकी सरकार है, गौशाले बनवाइए, आपकी सरकार है उस पर काम करिए। हरीश जी बताएं, आपकी सरकार है, आप गायों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ आइए रोड पे, निकलना दुश्वार हो गया। अरे गाय माँ है, हम भी मान रहे हैं माँ है, जाइए घर में रखिए, गौशाले में रखिए। उसका जवाब दीजिए, बताइए सवाल। मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछिए कि एक भी घटना आप बताएंगे, एक भी कोई केस बताएंगे? देखिए आपकी सरकार पूरे देश में है, आपकी सरकार केंद्र में है, आप बताइए ना मुझे। अरे श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार तो पूरे देखिए, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है, पूरे मुल्क की बात होगी, खाली उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करेंगे, झारखंड की बात नहीं करेंगे भाई, हम झारखंड को भूल जाएंगे, झारखंड हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, राजस्थान हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, हम पूरे मुल्क की बात करेंगे, पूरे मुल्क की बात करेंगे, आप दलित भी करेंगे, मुस्लिम भी करेंगे, हिंदू करेंगे, हम यूपी की बात नहीं करेंगे, खाली खाली यूपी की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात करिए, झारखंड का हिंदुस्तान में नहीं है, झारखंड का हिंदुस्तान में, झारखंड का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का नहीं है। प्रदीप जी आप श्रीवास्तव जी, झारखंड की बात नहीं सुनेंगे, झारखंड की बात नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ खाली यूपी की बात सुनेंगे। अगर आपके पास कोई तथ्य हो तो बताइए, आप तथ्य नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। इसका तरीका भी सुन लीजिए प्रदीप जी, हम आपको तरीका ही बता रहे हैं। बताइए, जिस जगह मॉब लिंचिंग होती है, मेरा मानना यहाँ है ये है कि उसमें सख्त सख्त कार्रवाई हो और एक अलग कोई विभाग बनाया जाए या कोई विशेष टीम इसकी जांच करे, वही की पुलिस जांच करती है, वही के लोकल के नेता उनके नाम निकलवा देते हैं, कोई एक विशेष टीम, मेरी बात सुन लीजिए प्रदीप जी, इसमें कोई एक विशेष टीम जांच करे, जो भी नेम केस तो जाए, मुकदमा चलेगा, जाएगा वहां कोर्ट में, कोर्ट में जाए ना, पहले फाइल लग जाती है वरिष्ठ पत्रकार जी, पहले फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, धीरे धीरे नाम निकालते जाते हैं, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, चार्जशीट लग जाती है, ये हाल है। आगे बढ़ते चर्चा को आगे बढ़ाते, अरे झारखंड भूल जाएंगे, झारखंड हिंदुस्तान में नहीं है क्या, राजस्थान हिंदुस्तान में नहीं है, खाली यूपी की बात क्यों कर रहे हैं आप, बताइए, झारखंड की भी तो बात करिए आप, राजस्थान की भी बात करिए, हरीश जी झारखंड आपकी नजर में प्रदेश नहीं है क्या, आपकी सरकार केंद्र में है, आप सुनते नहीं है, अरे हम सुन रहे हैं प्रदीप जी, ये झारखंड की बात नहीं करेंगे क्या? ठीक है, रुकिए रुकिए, मैं आपको रुकना पड़ेगा, आप दूसरी तरफ डिबेट को डाइवर्ट कर देते हैं। ये कार्यक्रम जी, गांधी जी अस्पृश्यता को एकदम मानते थे, छुआछूत के एकदम खिलाफ थे,
लेकिन जिस तरह से आज भी दलितों की दशा है उनको कुछ मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है, ये गांधी जी के आचरण के खिलाफ है कि नहीं? नहीं, गांधी जी का जो छुआछूत विरोध है वो हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि जब 1934 में उन्होंने एक अलग पत्रिका का संपादन शुरू करा, उसका नाम हरिजन था, और जहाँ तक उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात है, आज के संदर्भ में समझने की बात है, तो एक बात हमें समझ लेनी पड़ेगी कि ये विचारधारा कोई स्वतः स्फूर्त अभी नहीं हुई है 4-5-7 साल में, यह छुआछूत की विचारधारा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन जहाँ तक मंदिरों में या कहीं और किसी विशेष जाति या समुदाय के लोगों को रोकने की बात है, तो यह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये गांधी जी के विचार के सिद्धांतों के खिलाफ है और आज के सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, गांधी जी का दर्शन यही है कि और खासकर आज के संदर्भ में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। हरी जी, जिस तरह से कुछ, हालांकि ये कालीचरण पांडे जी ने एक बात अच्छी कही प्रोफेसर साहब ने कि कुछ ही घटनाएं हैं, बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं है, लेकिन ये कुछ घटनाएं प्रतीक बन जाती है, उदाहरण बन जाती है, क्या समय आ गया कि इस तरीके के उदाहरणों को भी रोका जाना चाहिए? देखिए, सरकार एक तंत्र है जी। नहीं, मैं आपको फिर दावा कर दूं हरी जी, मैं आपको फिर दावा कर दूं, मैं सिर्फ आपकी सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं केरल की बात भी कर रहा हूं, मैं तमिलनाडु की बात भी कर रहा हूं, किसी एक परिप्रेक्ष्य से बात नहीं कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं उसको पूरी आने दीजिए जी। देखिए, मैंने कहा सरकार एक तंत्र है, कोई घटना होती है तो सरकार के पास एक कानूनी कार्यवाही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज की जागरूकता से ही, समाज में उदात्त भाव आने से ही इस तरह की जो बुराइयां हैं उसको वो समाप्त हो सकती हैं। उसके लिए जो लगातार जिस तरह से बहस चलती है, तमाम तरह की इस तरह की बुराइयों को लेकर के बात चलती है, तो ये जागरूकता इसी तरीके समाज में आती है। और आज आप देखिए कि इंटरकास्ट मैरिज अब आम बात हो गई, जो पहले कहीं एकाध सुनने में आता था उसका समाज बहिष्कार और क्या क्या होता था, अब वो आम बात हो गई, यही समाज है। तो समाज में एक बहुत लंबे कालखंड से जो चली आ रही थी बुराई, जो चली आ रही थी, वो अभी भी किंचित कुछ लोगों में वो बुराइयां अभी भी इनबिल्ट हैं, वो समाज की जो सच्चाई को नहीं समझ पाते और इन बुराइयों को वो अंगीकार किए रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग, इस तरह की कुछ घटनाएं आती हैं, यद्यपि ये समाज के एक सभ्य समाज के ऊपर कलंक है, और आप देखिए, तो हम सब लोग शर्मसार होते हैं इस तरह की घटनाओं को सुनकर के, लेकिन इसके लिए सामाजिक जागरूकता और शिक्षा का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा, मुझे लगता है ये पूरी तरह से समाप्त होगा। ठीक है बीरेन जी, जब ये जो आर्थिक रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि कहा जाता है कि जब सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे तो सारी बुराइयों का अपने आप में नाश हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आर्थिक विपन्नता बढ़ी है कुछ लोगों में और एक वर्ग पूंजीवाद की तरफ बढ़ा है, तो लगता नहीं कि ये बुराइयां इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है? देखिए प्रदीप जी, अमीर और गरीब की खाई हमेशा रही है जी, और आगे भी बड़ी मुश्किल है इसको काटना, क्योंकि ये खाई बनी रहेगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ पैसा ही नहीं, आर्थिक संपन्नता ही नहीं है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब हम शिक्षा लेंगे, देखिए लोग समझते हैं शिक्षा का मतलब नौकरी, कि पैसा बीए में एमएससी कर लिया और नौकरी ढूंढ ले, शिक्षा का मतलब है कि आपका विजन खुलता है, आपका दिमाग खुलता है, आप लोग चीजों को सोचने समझने की जो है आपके अंदर क्षमता बढ़ती है। तो जब लोग शिक्षित होंगे, देखिए दो तरह से आदमी का विजन बढ़ता है, एक या तो देशाटन से घूम करके और या शिक्षित होकर के, तो जब तक आपका विजन बढ़ेगा, जब आप जो है सोचने समझने की आपकी ताकत बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, तभी ये सारी बुराइयां धीरे धीरे कम हो पाएंगी। ठीक, और शिक्षा के ऊपर अगर ध्यान नहीं जाएगा सरकार का, तो ये बुराइयां बहुत मुश्किल है दूर होना। ठीक है, राघवेंद्र पांडे जी, जी गांधी जी ने बहुत शानदार बात कही, उन्होंने कहा कि उत्पादन की केंद्रीय प्रणाली केंद्रीभूत पूंजी को जन्म देती है जी, और जब एक केंद्रीभूत पूंजी हो जाती है तो कुछ लोग बड़ी सुविधा संपन्न हो जाते हैं और एक बड़ा तबका सुविधा से रहित हो जाता है जी, जी। ये अनैतिकता पैदा करता है और यही अनैतिकता ही हिंसा है जी। देखिए प्रदीप जी, मैं गांधी जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा था कि कहीं जो इस समय वर्तमान समाज में जो खाई है गरीबी और अमीरी की, इसको पाटना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन गांधी जी का जो दर्शन था, गांधी जी हमारे जो उनकी एक विचारधारा थी कुटीर ग्रामोद्योग की तरफ वापस आना, उनके मतलब ये था कि जितने भी लोग थे वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ, उनके पास एक स्किल हो उस कम, देखिए सरकार कभी किसी को इतनी सब्सिडी नहीं दे सकती प्रदीप जी कि सबको खाई बराबर बांट दे कि एक अमीर जो है वो गरीब के बराबर हो जाए। इसके लिए गांधी जी ने एक दर्शन, गांधी जी की अपनी एक सोच थी कि सारे लोगों को पास एक ऐसा उपकरण दिया जाए, सबको इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दी जाए कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे से एक वो मिट्टी का एक कुल्हड़ बना सकता है तो उसको इस तरह का इंस्ट्रूमेंट प्रदान किया जाए कि वो अच्छे से कुल्हड़ बनाए कि वो उसकी जी उससे उससे वो आगे बढ़े। यही इन्हीं सब चीजों पर आगे इन्हीं सब चीजों पर आगे बढ़ना होगा, तब जाके हमें लगता है कि इन खाइयों को दूर करना होगा जो हमें अपने स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ा। प्रदीप जी, इससे पहले आपने धर्म की जो मंदिरों पर प्रवेश की, मुझे गांधी जी की एक घटना बहुत ध्यान से याद आती है जो बड़ा फेमस था, वाईकेएम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का पहला धार्मिक आंदोलन था जिसमें तमिलनाडु और तमिलनाडु के छोटे छोटे जिलों पर एक छोटा सा मंदिर था जहां पर दलितों को प्रवेश पर बड़ा विरोध हो रहा था। वहां पर सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग था, युवा वर्ग के मन में एक युवा वर्ग आगे आया और गांधी जी से कहा कि बापू आप अगर आए तो हो सकता है कुछ काम हो जाए। तो गांधी जी कहीं ना कहीं उस, गांधी जी ऐसा नहीं था कि वो किसी जात के विरोध में थे या फिर वो हिंदुओं के उस प्रथा के विरोध में थे, गांधी जी ऐसा नहीं था। गांधी जी केवल ये चाहते थे अगर ईश्वर उस मंदिर में बैठा है जिसने सारी धरती को बनाया, इंसानों को बनाया, तो फिर एक दलित क्यों उस मंदिर में जाने से रोका जाए। गांधी जी पूर्णतः इस विरोध के, छुआछूत सारे विरोध में थे। और मुझे लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारे प्रोविजन किया गया जी, भी ये बात कर रहे हैं और सारे लोग यही बात कर रहे हैं, ये सीख उन लोगों को लेनी चाहिए जो एक खास वर्ग को मंदिरों में जाने से अभी भी रोकता है, उनको इससे सबक लेना चाहिए ना जी। प्रदीप भैया, मैं इस पे एक बात मैं इस पर कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जिन्होंने गांधी को नहीं पढ़ा या भारत का दर्शन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज भी रोकेंगे, आगे भी रोकेंगे। इसके लिए मैं प्रदीप सक्सेना की बात जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि युवाओं को शिक्षा शिक्षा के साथ आगे आना होगा और युवाओं को ही आना होगा। और मुझे लगता है कि जिन मंदिरों में इस तरह की बातें होती है ऐसे भगवान का त्याग कर देना चाहिए, आगे बढ़ना भाई। जी 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 इमरान जी, क्या लगता है कि जो पूंजीवाद है वो भी कहीं गांधी जी की धरती के आने आ रहा है, क्योंकि गांधी जी समानता का व्यवहार देखना चाहते थे? प्रदीप जी, बात बिल्कुल सही है। और एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं कि अपने देश में इल्म की बहुत बड़ी कमी है और इल्म की कमी जिस दिन दूर हो जाएगी, शिक्षा की कमी, उस दिन जात पात भी खत्म हो जाएगा और गांधी जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। मेन चीज जो इल्म की कमी है, जो शिक्षा की कमी है हमारे मुल्क में, हमारी युवक जो सरकार है वो तो शिक्षा विरोधी है, हम तो कहेंगे बिल्कुल शिक्षा विरोधी है। वो शिक्षा जो शिक्षा बांट रहे हैं वो उनके साथ नहीं होती है और जो शिक्षा दे रहे हैं उनके खिलाफ 85 मुकदमा लगवा देती है, तो ये तो शिक्षा विरोधी है। और जब तक ये सरकार रहेगी तो इल्म की कमी रहेगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे तो फिर वोट हमें मिलेगा नहीं। पूरी तरीके से सरकार को नहीं, हम सरकार को दोषी देंगे सरकार। देखिए, हमने आपसे एक बात और कही थी बहुत पहले की बात है कि हम टीवी में ऐड देखा करते थे, स्कूल चले हम, अब वो कहीं नहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता। हमें याद है 10 साल पहले की बात है, जब हम छोटे थे तो ये अक्सर टीवी में ऐड आते थे, स्कूल चले हम, और अब कहीं नहीं है। देश में चल रहा है देश, देखिए गांधी जी जो चाहते थे देश में वैसे कोई हालात नहीं है। गांधी जी जात पात के बिल्कुल विरोधी थे, मॉम लिंचिंग के बिल्कुल विरोधी थे, आज उसी पे है। बस नकल माफिया और शिक्षा माफिया का समाया हो गया है। इमरान जी, तो देखिए सारा चिट्ठा है मेरे पास, हरीश जी फिर इसकी बात न करिए, हरीश जी सारा चिट्ठा है मेरे पास, बैठ के किसी दिन पर्सनली मिल लीजिए, फिर बताएंगे आपको क्या किया आपकी सरकार ने, क्या हालात कर दिए हमारे देश के। देखिए जो मुद्दे में बात हो रही है, मुसीबत करेंगे अर्थव्यवस्था की और भ्रष्टाचार की, अगर आप बात करने पे आ जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कितने आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार की है। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी करें बेहतर है, भ्रष्टाचार की तो बात ही ना करिए। मैं प्रदीप जी, हम कह रहे हैं ना जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उसी करें, अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये बात करने पे आ जाएंगे भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था तो आप इतने रिकॉर्ड दिखा देंगे जिन्होंने हमारे देश के हालात कर दिए। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, गांधी जी स्वच्छता के सबसे करीब थे, बहुत अच्छी बात है कि जब तक स्वच्छ नहीं होंगे तो कोई भी काम तेज नहीं चलेगा। प्रदीप जी, स्वच्छता का जो अभियान
मोदी जी ने चलाया उसके आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं? सुन लीजिए, हम गांधी जी ने भी इसकी वो करी थी तो हम उसके उसके साथ हैं, लेकिन यकीन मानिए कान देखिए झूठे वादे हैं और झूठी बातें हैं। आइए कानपुर देख लीजिए आगे, स्वच्छता अभियान का 10% स्मार्ट सिटी बता रहे हैं कानपुर बनाने जा रहे हैं। जितनी गंदगी है जिस रोड से निकल जाओगे निकलना दुश्वार हो जाएगा। स्वच्छता अभियान इनका बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया है। गंदगी अपने दिमाग से दूर कीजिए, शहर साफ हो जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं शहर साफ हो रहा, आप आइए कानपुर। हरीश जी हम आपको कानपुर दिखाएंगे, आपको वो हालात दिखा देंगे कि रोड से निकल नहीं पाएंगे। स्वच्छता अभियान देखिए जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता है, काम कराने से होता है। मुल्क के हालात देखिए क्या हो रहे हैं, और यहाँ की सफाई की बात करेंगे आ जाइए निकलना दुश्वार हो जाएगा। अभी चलिए आप हमारी किदवई नगर वाली रोड चलिए, जगह जगह निकलना दुश्वार हो जाएगा, रोडों के वो हाल हो गए। अरे आप खाली बात करते हैं, कोई काम पे बात कभी नहीं करेंगे। काम कराइए, देश में विकास कराइए, बेरोजगारी घटाइए। जो आपने बेरोजगारी घटाई, गांधी जी, गांधी जी बेरोजगारी के साथ नहीं थे। गांधी जी के उनपे चलिए, जब गांधी जी को अपना नेता, हम तो गांधी जी को अपना नेता मानते हैं। आप समझना चाहेंगे गांधी जी की जो फिलॉसफी थी स्वच्छता को लेकर के, वो आज जो मोदी जी ने फिलॉसफी अपनाई उससे कितना नजदीक है? मोदी जी का जो विचार है वो गांधी जी का विचार ही है अगर देखा जाए तो। और ऐसा है कि गांधी जी कहा करते थे कि मन वाणी और कर्म तीनों में ही स्वच्छता होनी चाहिए, और मोदी जी उसका प्रतिरूप है ऐसा हमें दिखता है। क्योंकि जब तक जो अभी बात आप सुन रहे हैं इसमें सामान्य जनता भी समझ सकती है कितना पूर्वाग्रह है, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई भी विचार आज करेंगे तो कोई भी एक अदना सा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि इसमें पूर्वाग्रह है। हम किसी को भी पलझा नहीं सकते आज के समाज में। तो मोदी जी आज जो कर रहे हैं स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश मोदी जी के साथ में है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये बात में कह सकती है कि गांधी जी स्वच्छता के सबसे करीब थे और वो अपना बाथरूम भी खुद ही साफ करते थे, और ये संदेश भी उन्होंने करके ही दिखाया। आज लगता नहीं आपको नेता जिस तरह से संसद के अंदर सफाई कर रहे हैं, संसद तो ऑलरेडी साफ रहती है, मोदी जी ने जरूर पहली बार उस थाने में सफाई किया जहां कीचड़ था, तो सारे नेताओं को भी इसी तरीके से सफाई करनी चाहिए जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सके। नहीं बिल्कुल प्रदीप जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चौक में थे, खुद अपने हाथ से उन्होंने वो कूड़ा उठाया जी। तो ऐसा नहीं है, कभी कदाच इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मोदी जी का जो संदेश है और जो उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मैंने मंत्र होता है, उनकी जो भी बात होती जो भी संदेश होता है वो हम लोगों के लिए मंत्र होता है, उसी लेटर और स्पिरिट में हम लोग भी उसको अंगीकार करने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, सफाई होनी चाहिए, घर की सफाई भी हम करें, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि आम आदमी अपने घर का कूड़ा सड़क पर डाल देता है, दुकानदार सफाई करता है और कूड़ा सड़क पर डाल देता है, ये कब सुधरेगा? प्रदीप जी जागरूकता की बहुत कमी है जी। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो कूड़ा हम बाहर डाल रहे हैं उसमें जो कीटाणु और जीवाणु पैदा हो रहे हैं वो उन्हीं के लिए बीमारी का उन्हीं को बीमारी फैलाएंगे उनके अंदर जी। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता हो रही है, मैं जहाँ रहता हूँ मैंने वहाँ देखा। इस बार एक बार सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उसको, कि उन्होंने टीम बनाई और सारे जगह पर छापे डलवाए कि जहाँ पानी जमा हो रहा है बरसात का उसको जाकर के उस पर छापा डाला और उस पर पेनाल्टी किया। केजीएमसी के खुद वार्डों में ही वहां पर लार्वा जमा हुए थे जी, जी। तो ये लगता है कि इस तरह का अगर अभियान चलेगा तो वाकई हम स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा पाए जी। बिल्कुल स्वच्छता का अभियान हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं जब नेता कहीं सफाई कर देते हैं, प्रधानमंत्री जी आए बनारस में फावड़ा चला दिए, लोग कहते हैं नाटक कर रहे हैं। अरे भाई नाटक नहीं है, जनता को प्रेरणा देने की बात है कि हम कर सकते हैं तो आप भी करिए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो सब जगह नाली लेकर साफ करेंगे झाड़ू, ये आपको प्रेरणा देते हैं कि भाई आप स्वच्छता अभियान चलाइए अपने यहाँ। और मैं इमरान साहब से पूछता हूँ कि आप अपने मोहल्ले में अपने क्षेत्र में क्या योगदान है आपका, हमने तो आप आइए हम दिखाएं आपको जिस क्षेत्र में हम रहते हैं हम लोगों ने मिलकर के इतनी सफाई की है कि उसके जगह शक्ल बदल गई है वहाँ। तो अगर एक एक आदमी हर आदमी सोचता है कि मैं क्यों सफाई करता हूँ। राकेश पांडे जी 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 आपको भी लगता है कि अगर हमारा इलाका गंदा है तो हमें खुद सफाई के लिए जुट जाना चाहिए, हमको प्रेरणा लेना चाहिए जी जी। प्रदीप प्रदीप जी आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली, गांधी जी अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे। वहीं से मैं शुरुआत करूंगा कि जब तक मैं देश को अपना नहीं समझूंगा,
जिस तरह मैं अपने घर की सफाई करके कूड़े को बाहर फेंकता हूं, जब तक मैं देश को अपना नहीं समझूंगा, अपने घर जैसा, तब तक सफाई, मोदी जी के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि हर स्टेशन हर गलियां कहीं ना कहीं साफ हो रही, कूड़ा सरकार थोड़ी फेंकने आ रही, कूड़ा हम फेंकते हैं। जब सब सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, समय हमारे पास इतना ही था, पीछे से आवाज आ रही कि हमको कार्यक्रम को यहीं बंद अप करना पड़ेगा। जी व्यवस्था समझते हैं प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो गांधी जी की 150 गांधी जी की जो 150वीं जयंती मनाई जा रही है, उनकी उनके प्रति हमारी असली जो हमारा असला समर्पण तभी होगा जब जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। छुआछूत और मॉब लिंचिंग या दूसरे अस्पृश्यता की अगर हम बात करें, इन सबसे दूर हट करके जब हम एक समदर्शी समाज को लेकर के साथ में चलेंगे तो ही हम उनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ा पाएंगे और उनके लिए हम प्रेरणादायक बन सकेंगे और यही गांधी जी के लिए असली समर्पण होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए।